समान वेतन किया जाए। ऐसा नहीं कि हाँ वो जूनियर ये सीनियर आप कॉन्ट्रैक्ट पे, काम तो आखिर हम लोग तो वही करते हैं ना जो वो लोग करते हैं। हम लोग को फेस अटेंडेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही ड्यूटी से हम लोगों को प्रॉब्लम, मगर 12,000 सैलरी में, 10,000 सैलरी में, 10,000-12,000 सैलरी में और एक छोटे से बच्चे को लेकर हम कैसे जॉब करेंगे? कैसे 10,000 रुपए में हम अपना पेट पाले, बच्चों का पेट पाले, या घर से दूर रह के हम फ्लैट लेके रहे, कैसे रहे? हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए हमारा अनुरोध है सिविल सर्जन सर से, डीएचएस ऑफिसर से, प्रभारी सर से और मंगल पांडे सर से, बिहार स्वास्थ्य समिति सर से, सब लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, और एनएचएम से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारा असमान का व्यवहार नहीं किया जाए और कानून को यह हटाया जाए, और कानून को हटाने के साथ हमारा सम्मान दर्जा दिया जाए, बस हमारा सम्मान वेतन किया जाए। मांग है कि ये फेस अटेंडेंस हम लोग नहीं लगा सकते हैं ना, क्योंकि ऐसे जगह पे हम लोगों का काम करने जाते हैं जहाँ यातायात की सुविधा ही नहीं रहती है, ना बिजली है, ना व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं, हम 9 से 5 बजे तक कैसे काम कर सकते हैं? मोबाइल हम लोगों के पास मिलता नहीं है, अच्छा कार्यकारी का लेने का इशू रहता है, कैसे करें? और 4 महीने 5 महीने तक हम लोगों को सैलरी नहीं मिलती है, करते हैं उसके बाद भी काम करते हुए भी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो फिर ऑब्सेंट हो जाएंगे ना, काम तो हम कर रहे हैं। अगर फेस अटेंडेंस लगाने के लिए हम लोग को कहा जाता है तो अपने ही सेंटर के लोकेशन दिया जाएगा, जो कि संभव नहीं है। हम लोग आरआई करने के लिए दूसरे छोर में जाते हैं, तो वहाँ से तीसरे टाइम में हम लोग आके वहाँ पे कैसे अटेंडेंस लगाए, और फिर वहाँ से जाना, उसमें भी 3 टाइम अटेंडेंस लगाना है, और वो भी थोड़ी व्यवस्था की जा रही है कि अति वाले को जिसको ज्यादा वेतन है ज्यादा मान्य दिया जा रहा है उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। हम संविदा वाले के लिए ही रूल रेगुलेशन क्यों होता है? एनएचएम कर्मी के लिए ही क्यों है? हम लोग मोतीपुर से, हम लोग सरैया ब्लॉक से। हम लोग फेस अटेंडेंट का लगाने के लिए कहां बताया जा रहा है, कहां पे लगा? हम लोग को अभी तक जो जानकारी मिली है, जो रवि रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और आप लोग के सेंटर का ही लोकेशन दिया जाएगा जो 500 मीटर या 50 मीटर के अंदर रेंज में रहेगा, और हम लोग का क्षेत्र का जो काम है जो आंगनवाड़ी केंद्र पे जाके करना है, जो एक आंगनवाड़ी केंद्र हमारे 2 HSC से 2 किलोमीटर दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पे, और वहाँ के सारे सामान लेके हम वहाँ आएंगे अपने HSC पे, फिर फेस अटेंडेंस देके फिर जाएंगे, फिर दोपहर में अटेंडेंस लगाने के लिए आना। ये संभव है? कहाँ से ये संभव है? किस दिमाग से उन्होंने ये हम लोग को दिया गया जो फेस अटेंडेंस लगाना है सिर्फ NHM वाले को ही? क्यों छोटेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आज सिविल सर से मिलने के लिए गया, क्या सिविल सर से मिलने में अभी ऐसा कुछ आश्वासन नहीं मिला है, बस बोले हैं सर कि हम आगे बात करेंगे, ठीक है, आप लोग का कोई सुनवाई सो नहीं मिला। हाँ, आश्वासन नहीं मिला संतोषजनक, और हम लोगों को एक लेबर से भी कम पेमेंट दिया जाता अगर टिहारी की भी बात करें, नरेगा चाहे कुछ भी। इस कारण हम लोग मंडे से अपना काम बाधित करते हैं, हम लोग काम पे नहीं जाएंगे, मंडे से काम बंद करें, बंद करें, हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग आज से ही आज सारे दिन यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा, हम लोग का सुनवाई नहीं ली जाएगी अनिश्चित काल में। कौन-कौन प्रखंड से आप लोग आए हैं? हम लोग 6-7 प्रखंड से आए हैं, कुरहनी से आए हैं, उसके बाद हम लोग पारू से आए हैं, सरैया से, मोतीपुर से, गायघाट से, सारे लोग ब्लॉक से आए हैं, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से करते हैं, जो आप लोग सभी मंडे को सभी 16 के 16 ब्लॉक यहाँ पर पहुँचे, तभी हम लोग की बात में मजबूती आएगी, तभी सुना जाएगा, नहीं तो हम लोग इधर से इधर होते रहेंगे 2-4 ब्लॉक वाले, इसका कुछ सुनवाई नहीं होगा। समान काम समान वेतन मिलना चाहिए हम लोगों को, समान वेतन और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग काम करने के लिए तैयार है लेकिन समान वेतन चाहिए, नहीं तो सोमवार से हम लोग कोई किसी को भी काम नहीं करने देंगे, या चाहे जो भी हो, हमसे ऊपर हो हमसे नीचे हो किसी को नहीं काम करने, काम नहीं करने देंगे, नहीं नहीं, हड़ताल पे चले जाए, हड़ताल पे आज से ही है, हम लोग सोच रहे हैं कि सभी NHM हड़ताल पे जाए, हम लोग यही चाह रहे हैं, अब करना चाह रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हम लोग का मनोकामना जब तक पूरा नहीं होता तब तक कैसे काम करेंगे? हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, इतने दिन से काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं ना, हम लोग को मोबाइल मिला हुआ है ना, नेट का पैसा मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है, 8-8 घंटा ड्यूटी करेंगे, लैट्रिन बाथरूम नहीं है, ड्यूटी कर लेंगे, सुविधा नहीं, हम लोग को सारी सुविधा दी जाए, हम लोग को समान वेतन समान काम दिया जाए, और हम लोग करने के लिए तैयार है, फिर से अटेंडेंस हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं।